नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड 12th कंपार्टमेंटल एग्जाम होने के बाद बहुत सारे दोस्त लोग परेशान थे कि सर क्या कॉपी जांच होना शुरू हो चुका है या नहीं। तो आप लोग से कहना चाहेंगे दोस्तों कि आज बहुत बड़ा अपडेट यानी कुछ खबरें आप सबके सामने शेयर करने वाले हैं। जितने भी दोस्त लोग बिहार बोर्ड 12th कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिए हैं उन सभी के लिए कुछ खबरें लेके आ चुके हैं। तो हम चाहते हैं इस कुछ खबरें के सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों, विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए लैपटॉप स्क्रीन पर तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। सिंपली दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। अब इस वेबसाइट पर कैसे आना है उसके इस वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है अधिक से अधिक और समय समय पे अपडेट पाने के लिए, ठीक है। चलिए अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे जानेंगे कि क्या अपडेट है, क्या गुड न्यूज है। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गुड न्यूज नाम का इस तरह से ऑप्शन आएगा और यहाँ पे क्लिक किया रहे, यानी कि आप लोगों का कॉपी जांच होना शुरू है। अब किस दिन से किस दिन तक है इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि प्रभात खबर की तरफ से अपडेट आया है, ठीक है। चलिए हम इस पेपर कटिंग को ये देख सकते हैं, आप इसको हम कर लेते हैं जूम ताकि आपको कोई भी परेशानी देखने को ना मिले। तो चलिए हम यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 7 से 9 मई तक चलेगा मूल्यांकन। अब क्या चीज का चलेगा उसके लिए हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो अब आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा बुधवार को समाप्त हो जाएगा जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 7 मई से शुरू हो जाएगा। मूल्यांकन कार्य 9 मई तक चलेगा, कहने का मतलब 7, 1, 8, 9 दो दिन, सिर्फ दो दिन, ठीक है। मूल्यांकन के बाद पटना, नालंदा, वैशाली एवं दरभंगा जेलों के केंद्र बनाया गया है। इनके चारों केंद्रों पर कार्य शिक्षक आवश्यकता अनुसार सह परीक्षा परीक्षकों की नियुक्ति कर नियुक्ति प्रमाण पत्र जो भी है उसको डाउनलोड कर अपना कॉपी जांच करने के लिए शिक्षक को भेज दिया जाएगा। इस तरह से अपडेट है, मात्र दो दिन आपको वेट करना है एग्जाम देने के बाद। दोस्तों कितना बड़ा खुशखबरी है, हम चाहते हैं कि इस वीडियो में अधिक से अधिक जितने दोस्त लोग देख रहे हैं सभी लाइक करें क्योंकि इतना बड़ा खुशखबरी हम आप सबके सामने लाइव शेयर किए हैं। तो दो दिन के अंदर, कहने का मतलब है कि 9 तारीख के बाद रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, इस बात को आपको दिमाग में सेट कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे दोस्तों ये तो हम शेयर कर दिया कि 7 मई से 9 मई तक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट कब आएगा उसके लिए हम चलते हैं दोस्तों, इसको कट कर लेते हैं। रिजल्ट में फिलहाल यहाँ पे देखिए कमिंग सून बता रहा है, अगर रिजल्ट जारी होने की संभावना देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको एक्टिव सून दिखेगा। मतलब है कि जैसे 9 तारीख तक आपका मूल्यांकन होगा उसके बाद रिजल्ट फिर अपडेट होगा, कहने का मतलब दो दिन में अगर कॉपी जांच होता है तो दो दिन में आपका रिजल्ट जो है अपडेट भी हो जाएगा। तो टोटली मिला के कहा जाए तो 9 के बाद 10, 11, 12 यानी कि 12 तारीख तक में आपका रिजल्ट 100% जारी हो जाएगा। अब आपको रिजल्ट चेक करने के लिए दोस्तों इसी वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। इस वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, तो आप कभी भी इस पर आके अपना जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।